नमस्कार, वीरे टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। जहां एक और सीएम योगी एक्शन में है, वहीं भाजपा जिला पंचायत सदस्य की हत्या उसके घर वालों द्वारा कर दी जाती है। बांदा में भाजपा नेत्री व जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह की मौत का मामला गहरा गया है। पुलिस ने श्वेता के भाई की तहरीर पर पति सहित सास ससुर व जेठ पर दर्ज किया हत्या का मामला, उत्पीड़न और दहेज का मामला भी। मृतका नेत्री की बेटियों ने योगी मोदी दोनों से लगाई न्याय की गुहार, कहा पापा और बाबा करते थे माँ को टॉर्चर, पापा ने की है हत्या। बेटी ने कहा कल स्कूल जाने से पहले पापा ने कहा था तुम्हारी माँ तुम्हें मरी मिलेगी। श्वेता ने भी अपने घर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जताई थी आशंका, लिखा था इन दिनों मेरे साथ कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार दीपक होगा। गौरी क्या कहते हैं आप, क्या मोदी योगी ने मम्मी को न्याय दिलाई? क्या हुआ था मम्मी के साथ बेटा? क्या किया बेटा? आज जब मैं सुबह स्कूल आई थी कल, तो मुझसे कहते हैं कि जब तुम स्कूल से वापस आओगी तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेगी। लखनऊ में भी कह रहे थे कि बांदा जाके तुम्हारी माँ को मार दूंगा। बाबा, मेरी दादी, बाबा, बड़े पापा सबको जेल भेजा, इन सब ने मेरी माँ को मार डाला, ताने मार मार के। क्या परेशान भी करते थे, किस तरह से प्रताड़ित करते थे आपकी माँ को? गालियाँ देते थे, बुरा बुरा बोलते, सोसाइटी में बेइज्जती करते थे। मेरे बाबा मुझसे कहते, पापा मेरी माँ को गाली देते थे, कहते थे कि बड़े पापा मुझे बड़े पापा तो अच्छे थे, पर बाबा मेरे कहते थे कि हम लोग को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाओ, सब कुछ करो, मेरी माँ को मार डालो, तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो, उन्हें लड़का चाहिए था, उसने मेरी माँ को मार डाला, मेरी माँ को मार डाला। तो क्या अब गिरफ्तारी अभी तक आपकी जो लोग हैं, जो दादी लोग हैं, नहीं हुई है अभी तक? अभी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी चाहिए। किस तरह से संदेश देंगी मोदी योगी से, क्या कहना चाहेंगे? प्लीज मेरी मम्मा, मेरी माँ को इंसाफ दिलाओ। कितनी सुरक्षित है यूपी में महिलाएं, इस घटना से साफ पता लगता है आखिर कौन है इनका जिम्मेदार। आरोपी पति दीपक सिंह अभी भी है फरार। बांदा से राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट।